नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। मध्य प्रदेश में क्या किसी सियासी भूचाल की आहट? क्या 2024 से पहले, 24 के लोकसभा चुनाव से पहले मोदी जी की चिंता बढ़ने वाली है? एक पर्ची गई थी, पर्ची से नाम निकला, मामा का नाम मिटा हुआ था और मोहन का नाम लिखा हुआ। मामा तब से पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं, अपनी व्यथा, अपनी पीड़ा, अपने दुख को डायरेक्ट इनडायरेक्ट सामने ला रहे हैं, लेकिन भाजपा के खिलाफ आक्रामक रुख उनका कहीं नजर नहीं आया। लेकिन बेटा आया है, क्या पिता का बदला बेटा लेने वाला है? बेटा सामने आया और उस बयान के मायने आप समझें, सुने तो आप भी सोचने पर विवश हो जाएंगे कि क्या शिवराज सिंह चौहान के पुत्र कार्तिकेय के मन में कुछ और चल रहा है। कार्तिकेय ने बुधनी, जो शिवराज सिंह चौहान का अपना घर है, अपना क्षेत्र है, वहां के लोगों से बातचीत करते हुए कहा कि मेरा राजनीति में आने का कोई मन नहीं, लेकिन आपसे वोट मांगने के लिए मैं आया था। अब जबकि पिताजी मुख्यमंत्री नहीं रहे, मैं आपके बीच नहीं आऊं तो रात को चैन की नींद नहीं सो पाऊंगा। वोट मांगने के लिए पिताजी नहीं आए थे, वोट मांगने मैं आया था, इसलिए उस समय मैंने आपसे जो भी वादे किए थे उन्हें पूरा निभाने के लिए आपके बीच आ रहा हूं, और वादे निभाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं। वैसे लड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपनी सरकार है, लेकिन लड़ना पड़ा तो इस बात के लिए आप निश्चिंत रहिए, उसके लिए भी कार्तिकेय तैयार है। इस बयान को जब मैं देखा तो मुझे एक बयान याद आ गया ज्योतिरादित्य सिंधिया का। उनके पिताजी भी कांग्रेस में गांधी परिवार के करीबी नेताओं में थे, पुत्र भी राहुल गांधी के फैन क्लब नहीं, फ्रेंड क्लब में शामिल थे, खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक बयान आया, अतिथि शिक्षक जो है वो ज्ञापन लेकर के नियमितीकरण का मांग कर रहे हैं, ज्ञापन लेके गए। उन्हीं के मंच से ज्योतिरादित्य ने बोला था कि निश्चिंत रहिए, यदि सरकार के ने घोषणा पत्र में किया गया वादा पूरा नहीं किया तो मैं खुद आपकी लड़ाई में शामिल हो जाऊंगा, मैं आपकी ढाल भी बनूंगा और आपकी तलवार भी बनूंगा। फिर इसके बाद की कहानी तो आपको पता है, अतिथि शिक्षकों के लिए ढाल या तलवार बने हो या न बने हो, लेकिन अपनी ही सरकार, कांग्रेस की सरकार के लिए तलवार बन गए थे और सरकार कलम हो गई थी, चले गए भाजपा में और सरकार बनी भाजपा। तो ये बयान, माधवराव सिंधिया के सुपुत्र और फिर शिवराज सिंह चौहान के सुपुत्र का बयान आया, तो कुछ इनके बीच अंतर संबंध नजर आया। मैंने कहा इस पर चर्चा जरूरी, भाई क्या चल रहा है इनके मन। मेरे साथ इस चर्चा के लिए मध्य प्रदेश की, हालांकि पूरे देश की राजनीति समझते हैं लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति पर बहुत मजबूत पकड़, गहरी पकड़ रखने वाले डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनको फ्रेम मिलाइए, डॉक्टर सुनीलम को। डॉक्टर साहब, आपसे चर्चा शुरू करें उससे पहले मैं चाहता हूं कि मध्य प्रदेश देश के लोग, शिवराज सिंह चौहान, उनके सुपुत्र सब एक बार अपना ही बयान सुन लें, यानी कार्तिकेय अपना बयान सुन लें और बाकी लोग उनका बयान सुन लें। कंट्रोल रूम एक बार चला दीजिए, कार्तिकेय का बयान एक बार चला दीजिए, फिर चलते हैं। एक चीज याद रखना, ये जो पावर है ना, ये ताकत जो कहते हैं, पावर ये किसी पद में नहीं होती है, ये पावर व्यक्ति में होती है। आप सबने जो ताकत दी है, उस ताकत के कारण 18 साल अपना बीच का व्यक्ति मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान रहा। लेकिन आज भी ऐसा महसूस होता है, मध्य प्रदेश के किसी भी कोने में चले जाए, आज भी जनता के दिल के सिंहासन पर केवल एक ही व्यक्ति विराजमान है, और वो मैं मानता हूं कि उससे बड़ी ताकत पूरे देश में, पूरे दुनिया में कोई नहीं हो सकता। जब तक ये ताकत अपने साथ रहेगी, जब तक ये ताकत आप अपने नेता को देता रहेंगे, तब तक उनके स्वाभिमान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो सकता,
और तब तक आपके स्वाभिमान के साथ कोई खिलवाड़ हम होने नहीं दे सकते। और उससे वसंत बोलते मेरे साथी कि देखो मेरे मैं नेता तो नहीं, लेकिन बावजूद उसके आप मुझे इतनी इज्जत देते हैं। अभी राजनीति में आने का मेरा कोई मन नहीं है, कुर्ता पहन के आया जरूर हूं, लेकिन बीच में आपके आ इसलिए रहा हूं, भाषणबाजी इसलिए कर रहा हूं, क्योंकि देखो वोट मांगने मैं आया था आपके बीच में। और अगर आप पिताजी मुख्यमंत्री नहीं रहे और फिर वापस नहीं आऊंगा तो यार मैं अपने ऊपर रात को चैन की नींद सो नहीं पाऊंगा। वोट मांगने मैं आया था, जब आप लोगों ने मुझ पर विश्वास, देखो वोट मांगे तो पिताजी भी नहीं आए थे। और जब सामने उस समय जब चुनाव के जब कोई व्यक्ति माइक लेकर खड़ा था आश्वासन, तो वो मैं था। और इसीलिए जब आपसे उस समय मैंने वादा किया था, तो उस वादे को निभाने के लिए मैं वापस आया और वादे को निभाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं। वैसे तो लड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपनी सरकार है, लेकिन लड़ना पड़ा तो इस बात के लिए आप निश्चिंत रहिए, अगर आपके लिए लड़ना पड़ा, अगर हक के लिए लड़ना पड़ा, तो वैसी नौबत नहीं आएगी, लेकिन अगर नौबत आई तो उसके लिए भी कार्तिकेय तैयार है। डॉक्टर साहब, दो तीन बातें बड़े गौर करने वाली थी। एक तो पूरे मध्य प्रदेश के हर शख्स के दिल के सिंहासन पर एक ही व्यक्ति विराजमान, ये तो मोदी जी और नए नवेले मोहन यादव पलची वाले, इन दोनों को खुली चुनौती दे दी। इस नए नवेले बच्चे ने, शिवराज सिंह के बच्चे ने कहा राजनीति करने नहीं आया हूं, लेकिन तेवर तो बिल्कुल राजनेता वाले हैं और भाषण का अंदाज भी बड़ा जोरदार है। और उसके बाद जरूरत तो नहीं पड़ेगी लड़ने की, लेकिन पड़ी तो निश्चिंत रहिए लड़ेगा कार्तिकेय। ये क्या है इस बयान के मायने, दिल के सिंहासन पर सिर्फ शिवराज और लड़ाई के लिए तैयार है शिवराज का बेटा, राजनीति में क्या होने वाला है मध्य प्रदेश के? आशीष जी, आप बहुत पैनी नजर रखते हैं, इसलिए आपने इसे पकड़ लिया। और मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के इसलिए अच्छा लगा कि एक नौजवान है, और मन की बात केवल प्रधानमंत्री नहीं कह सकते, नौजवान भी कह सकता है, वो अपने मन की बात कह रहा है, बिना लाग लपेट के कह रहा है, और मैं मानता हूं कि उसे मालूम है कि वो क्या कह रहा है, और उसे ये भी मालूम है कि इस कहने का क्या अर्थ निकाला जाएगा, इसीलिए वो कह रहा है पूरी गंभीरता के साथ में वो कह रहा है। अब ये है कि पहला तो वाक्य मेरा ये है कि शिवराज सिंह के साथ में अन्याय हुआ। अन्याय इसलिए हुआ कि जो सरकार बनी वो शिवराज सिंह चौहान की पॉपुलरिटी को लेकर के बनी। इस बात को नरेंद्र मोदी जो है वो पचा नहीं पा रहे, क्योंकि फेस तो वो अपने ही लेकर के सामने चल रहे थे, और उन्होंने जो है इसी के लिए कि शिवराज सिंह का फेस ना रहे, एक तरीके से उन्हें बदरॉप करने का काम पहले ही कर दिया था जब वो मुख्यमंत्री थे, और उसके बाद में जब उन्होंने अलग अलग इलाके के बड़े बड़े नेताओं को जब उतार दिया, कैलाश विजयवर्गीय से लेके प्रभाव पटेल से लेके और सब सब लोगों को जब उन्होंने उतार दिया, तो फिर ये वाली बात एकदम साफ हो गई कि वो नरेंद्र मोदी जी शिवराज सिंह चौहान को कट टू साइज करना चाहते हैं, उनको जमीन दिखाना चाहते हैं, और पर्ची निकाल के उन्होंने जमीन भी दिखाने का काम किया। पर्ची एक बहाना है, वास्तविकता ये है कि जैसा होता रहा है कि बहुत जब पॉपुलर कोई बड़ा लीडर होता है तो वो अपने सामने किसी को नहीं पनपने देता। हम इसको कांग्रेस में देखते रहे, हम इसके अंदर हमने ये देखा कि जो नरेंद्र मोदी जो उनके गुरु थे, है ना, सब कुछ थे, माई बाप जो थे अडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी, जब उनको घर बैठा दिया नरेंद्र मोदी जी, केवल और केवल इसलिए कि भाई पॉपुलर तो एक ही रह सकता है, जिसे बहुत सरल भाषा में कहते हैं कि भाई एक मैदान में दो तलवारें नहीं रह सकती, एक ही रह सकती है, तो उन्होंने कट्टू साइज कर दिया। अब मैं ये मान के चल रहा था कि वहां से इन्हें जब हटा दिया है
तो जब नरेंद्र सिंह तोमर को ये लेके आ गए हैं राज्य में, तो ये दिल्ली के अंदर शिवराज सिंह चौहान को ले जाएंगे। दिल्ली का जो आदमी होता है ना आशीष जी, है ना, वो टूथलेस होता है, उसकी कोई कुछ हैसियत नहीं होती है। हैसियत स्टेट के लीडर की होती है, सेंट्रल सेंट्रल लीडर जो है वो अपना आए, अपना सवा हवा करिए, अपना लाल बत्ती से घूमिए, अगर कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं उस पावर का तो आप इस्तेमाल करिए, लेकिन उसके पास में कोई ताकत पॉलिटिकल पावर नहीं रहती है। पॉलिटिकल पावर स्टेट के पास रहती है, लीडर के पास रहती है। तो हम, मैं ये मान के चल रहा था, और मैं अभी भी, मुझे लगता है कि अगर कोई बहुत बड़ा फैसला जो है नहीं कर चुके हैं नरेंद्र मोदी, और मैं मानता हूं कि इसके अंदर जो है सबसे बड़ी भूमिका, जो कुछ भी वो कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, उसके अंदर अमित शाह की सबसे बड़ी भूमिका है, क्योंकि मध्य प्रदेश को संभालने के लिए वही आए थे, उन्होंने ही हर बार रणनीति बनाने का काम किया था। और मैं पूरे चुनाव में बोल रहा था कि ये जितना बार ये चाणक के आते हैं और जितने फॉर्मूले दे करके जाते हैं, उससे उतना भारतीय जनता पार्टी का नुकसान होता है। अब जो भी कुछ यहाँ पर चल रहा था, है ना, नतीजे उसके विपरीत आए, ये मुझे कुछ कहने में हर्जा नहीं है, मैं उसको स्वीकार करता हूँ कि आंकलन गलत निकला, मैं ईवीएम की भूमिका भी मानता हूँ, उसको खैर छोड़ दिया जाए। लेकिन फिलहाल अगर केवल बयान के ऊपर बात करें हम, तो एक किस्म की चेतावनी देने का काम शिवराज सिंह चौहान ने नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को किया है अपने बेटे के माध्यम से। क्योंकि आपको याद है कि अमित शाह भी भाषण दे रहे थे कमलनाथ जी के बारे में कि भाई ये अपनी पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, नरेंद्र मोदी भी आकर के मध्य प्रदेश में भाषण दे कहते कि अपने बेटों के भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। तो अब जो है जो काम शिवराज सिंह कर रहे हैं वो भी अपने बेटे के माध्यम से, वो जो है उनके स्वभाव के अनुकूल नहीं है इस तरीके का चेतावनी चेतावनी देने का काम। हालांकि बीच में उन्होंने इस तरीके के कुछ सिग्नल दिए थे जिससे लग रहा था कि वो पॉपुलरिटी चेक करवा रहे, एक तरीके से वो कह रहे थे कि भाई देखो मैं तुमसे ज्यादा पॉपुलर हूँ, और ये बात सही भी थी कि उनकी पॉपुलरिटी ज्यादा रही, उसी के चलते वो सरकार वो बनी। लेकिन जो अंदर खाने में चल रहा था वो ये हो रहा था कि भाई संघ कहीं पर ऐसा ना हो जाए कि नरेंद्र मोदी को रिप्लेस करने के लिए शिवराज सिंह जो है उनका इस्तेमाल कर ले, है ना, तो ये सब बातें चल रही है। लेकिन मुझे लगता है कि इस समय कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। आपने इसकी तुलना जो है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है उनके बयान से कर दी। मुझे लगता है कि दोनों के अंदर सिमिलरिटी ये है कि उस समय कांग्रेस हाई कमान या कांग्रेस के लीडर कमलनाथ अगर वो चाहते तो सिचुएशन को मैनेज कर, आज की तारीख में बिल्कुल सिमिलर सिचुएशन है, बात हाथ से निकली नहीं। आज अगर चाहें मोदी, अमित शाह चाहें, नड्डा जी चाहें, तो अभी सब कुछ मैनेज हो सकता है। लेकिन ये एक ऐसे क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर पहुंच गया है शिवराज सिंह जी का एपिसोड कि अब जो है वो दोनों तरफ रास्ते जाते हैं। सरेंडर वाला मामला तो है ही है, लेकिन बगावत का भी सुर जो है वो निकल रहा है। और बेटा जब कुछ कह रहा है ना, तो वो पिता के सम्मान की बात कर रहा है। डॉक्टर साहब देखा इसमें सम्मान में क्या क्या कर देते हैं आशीष जी, मैं आपको जरा कहना चाह रहा हूँ, कैनी को याद करना चाह रहा हूँ। कैनी के हेलीकॉप्टरों को किसानों ने नहीं उतरने दिया लखीमपुर खीरी में, तो बेटा और टेनी के पुत्र ने उसने भेजा करके बेटे ने जो है थार गाड़ी चढ़ा दी और चार किसानों को और एक पत्रकार को उसने कुचल करके मार डाला, बाप के लिए मार डाला, है ना। तो मामला, ये लोग तो भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, परिवारवाद के खिलाफ हैं, लेकिन परिवारवाद का ये उग्र रूप जो है वो दिखाने का काम जो है या देखने का अवसर पूरे देश को मिल रहा है पार्टी विद डिफरेंस का। इसमें डॉक्टर इसमें एक बात और मैं समझना चाहता हूँ, ये बयान कार्तिकेय का था, भाजपा का इंटरनल मैटर है शिवराज सिंह के पुत्र, लेकिन कांग्रेस को क्या इसमें, कांग्रेस को कोई उम्मीद नजर आ रही है क्या, कहीं से उम्मीद की किरण, कोई जैसे होता झरोखे में से एक थोड़ी सी झेरी मिल जाए? क्योंकि के मिश्रा साहब हैं मीडिया सेल के अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उन्होंने ट्वीट किया है इसी वीडियो को ट्वीट करके, कार्तिकेय का एक वीडियो, और बाकायदे बड़ा लंबा चौड़ा खर्रा लिखा है उन्होंने, पुत्रवत हो तुम मेरे लिए और मुझे गर्व है कि तुम्हारी
साहस पर, हिम्मत पर गर्व है, मेरे पुत्र जैसे हो, आखिर तक आते आते सब कुछ लिख करके आखिर तक आते आते ढेर सारा आशीर्वाद प्यार सब उड़ेल दिया। शिवराज सिंह चौहान के पुत्र के लिए इतना प्यार, इतना आशीर्वाद उड़ेलना, पुत्रवत भाव रखना, ये कुछ समझ में नहीं आया। इसीलिए मेरे मन में और शंकाएं पड़ी, डॉक्टर साहब क्या है, मतलब ये क्या, अब सारी उम्मीदें, क्योंकि कमलनाथ ने मध्य प्रदेश हराया था कांग्रेस को, इसमें कोई दो राय नहीं, और कांग्रेस की आलाकमान ने पहली बार ऐसे कठोर फैसला लिया है कि करीब करीब कमलनाथ को पैदल कर दिया, घर बिठा दिया, कोई जिम्मेदारी नहीं है, मुक्त कर दिया जिम्मेदारियों से कि जाओ, बहुत जिम्मेदारी उठा लिए, कंधे थक गए होंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या ये नई उम्मीद की किरण दिखी है? नौजवान खून, गर्म खून, आवाज में भी, मैं पहली बार कार्तिकेय की आवाज सुना, पहली बार सुना, उस आवाज में भी एक बुलंदी है, होता है ना राजनेताओं की आवाज की एक खनक, वो भीतर तक। अब इस उम्र में ताली लगातार तालियां रोकना पड़ रहा है, एक सेंटेंस के बाद रुक रुक करके बोलना पड़ रहा है क्योंकि तालियां बज रही हैं। ये आगाज क्या कांग्रेस के लिए भी कोई आगाज का संकेत है? क्योंकि उसमें अवसर तो ढूंढ रही है कांग्रेस। के मिश्रा का ट्वीट मुझे तो यही लगा, बाकी आपसे मैं समझना चाहता हूँ आपको क्या लग रहा है। देखिए के मिश्रा जी मजे हुए खिलाड़ी हैं और स्वाभाविक तौर पे उन्होंने जो काम किया है वो करना ही चाहिए। एक बात तो ये है, देखिए किसी का भी बेटा होता है तो कि सब ये सीनियर लोग हैं, सीनियर पॉलिटिशियन, और एक तरीके से बच्चों के साथ में कोई पॉलिटिक्स नहीं होता, एक तरीके का स्नेह का भाव होता ही है। वो आपको वरिष्ठ भाजपा के नेताओं में कमलनाथ के सुपुत्र नुकुलनाथ के प्रति भी आपको दिखलाई ऐसे ही पड़ेगा, है ना? तो वो एक एक उस तरीके का भाव है कि भाई एक एक साथ पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कई दशकों से कर रहे हैं, है ना? तो एक उस तरीके का भाव बन जाता है। लेकिन मतलब जिसे कहते हैं आपदा में अवसर, तो आपदा शिवराज सिंह के लिए आई हुई है, तो अवसर के मिश्रा जी उसके अंदर तलाश रहे हैं, तलाशना भी चाहिए। अगर वो ये काम नहीं करते तो हम कहते हैं कि भाई देखिए कांग्रेस के पास में मतलब पूरा मामला जो है आ रहा है हथेली के ऊपर, और फिर भी वो जो है उसको कैच करने के लिए तैयार नहीं है, कैच छोड़ दिया उन्होंने। तो ठीक किया उन्होंने अपनी तरफ से ये जो बयान दिया है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ याद रखिए हमारे एक हैं कक्का जी, हाँ, जो किसान नेता हैं, वो संघ के जो संगठन है किसान संघ उसके वो अध्यक्ष थे, ऐसे ही बयान देते देते वो उलझ गए सरकार से, और उलझ गए तो उनका मतलब यहां तक हो गया कि बाड़ी बरेली के अंदर उनके प्रोग्राम में गोली भी चला गई और एक जो है किसान मारा भी गया, और जो है उसके बाद में उनको पैदल कर दिया। तब से जो है वो आज तक पैदल ही घूम रहे हैं। संघ का और बीजेपी का मामला, या ये कहा जाए हाईकमान का और सरकारों का मामला बहुत कठिन होता है। मैं जब सुन रहा था कि भाई सरकार अपनी है और जो है लड़ना नहीं पड़ेगा, लड़ना पड़ा तो अरे भाई लड़ना पड़ा तो ये डॉक्टर सुनीला मैं जितनी बार लड़े उतनी बार लड़ पड़े, जितनी बार लड़े उतनी बार मुकदमा लड़ा लगा, जितनी बार लड़े उतनी बार जेल गए, वो तुम्हारे साथ में अगर ये हो जाएगा तो बहुत क्रांति होने वाली नहीं है। ये बात मैं ये कह दूं कि कोई खड़ा नहीं होगा, ये जो आसपास अभी होंगे ना, मतलब अभी जितने लोग वहां पर उस मीटिंग के अंदर मौजूद होंगे वो सब तो पार्टी के लोग हैं ना, और वो पार्टी के लोग इसीलिए वहां पर आए हैं क्योंकि उनको ये उम्मीद कायम है कि शिवराज सिंह चौहान का रिहैबिलिटेशन जरूर होगा। और अगर एक बार ये बात साफ हो जाए नरेंद्र मोदी की तरफ से और अमित शाह की तरफ से और संघ की तरफ से कि अब तुम्हारा रिटायरमेंट कंपल्सरी रिटायरमेंट हमने कर दिया, बहुत तुमने राज करने का काम किया, उसके बाद देखते हैं कि कितने लोग आते हैं। और एक बार जब जो है शुरू होता है सरकार का दमन तो कितने लोग खड़े होते हैं आसपास कार्तिकेय के, वो ताली बजाने वाला तो आप कह रहे थे ना, आसपास खड़े होने वाला दिखलाई नहीं पड़ेगा जब दमन चलता है स्टेट की मशीनरी का। ये एक किस्म की बंदर घुड़की है, वो जो है अपनी तरीके से दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, उनके जो समर्थक हैं वो दबाव डालने की कोशिश वो कर रहे हैं। लेकिन अब अगर ये कहा जाए तो उन्होंने बहुत निचले स्तर के ऊपर आकर के वॉर किया, मतलब अच्छे से वॉर कराया है ना, तो अब ये पॉलिटिक्स के अंदर इसको बहुत अच्छे तरीके से नहीं लिया जाता।
है ना, क्योंकि आप बहुत सीनियर पॉलिटिशियन हैं, आपका एक्सेस डायरेक्ट अब तक रहा है ना। अब ये अगर ऐसा स्थिति बन गई है शिवराज जी की कि वो अगर चाहें और उन्हें समय ना मिले मोदी जी से या अमित शाह जी से या नड्डा जी से, ऐसा हो सकता है, अगर ऐसा होता है तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा, लेकिन वो सिचुएशन आने के बाद में आप आगे की तरफ बढ़ते तो कुछ बात समझ में आती, और हो सकता है अंदर ऐसी स्थिति आ गई हो तभी उन्हें अपने बेटे का एक तरीके से इस्तेमाल करना पड़ा, क्योंकि स्वस्फूर्त तरीके से ये बयान जो है वो तो एक किस्म का पैर के ऊपर कुल्हाड़ी मारने वाला बयान है ये तो, मतलब इस तरीके से चैलेंज करके, पार्टी को चैलेंज करके और ये कह करके कि भाई मामला पद का नहीं होता है व्यक्ति का होता है। अरे भाई, पद और व्यक्ति का नहीं होता। हमने शिवराज सिंह चौहान जी को कई बार मेंबर ऑफ के पार्लियामेंट के तौर पे रहे और बैठे रहते थे पार्लियामेंट के अंदर, कोई बात करने भी नहीं जाता था क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक उस तरीके से लोगों के साथ में बातचीत करना, एक होता है ना बहुत ज्यादा फ्रेंडली, बहुत ज्यादा सोशल, उस तरीके के वो सांसद के तौर पर वो नहीं जाने रहे कि जो अपने एक पूरा गोल लेकर के बैठते हों, गप करते हों, ऐसा वो नहीं दिखा रहा है ना। तो अब जो कुछ भी उन्हें मिला है पद के साथ मिला है, और किसके बाद मिला है माफ कीजिएगा, जो पूरी कुर्सी थी वो उमा भारती की थी। मैं बराबर इस बात को कहता हूं कि अगर उमा भारती होती दिग्विजय सिंह को हराना संभव नहीं था। उमा भारती ने माहौल खड़ा कर दिया और उस माहौल के अंदर उन्होंने दिग्विजय सिंह को परास्त करने का काम किया, और फिर साजिश करके हाईकमान ने उमा भारती को, जो उसका एक चरित्र है पार्टी का एंटी ओबीसी वाला, एंटी विमेन वाला, तो छोटा सा एक केस था उसके अंदर लगा लू करके जो है उनको पद से बाहर कर दिया, और बाहर करते करते अब उन्हें हिमालय, मतलब जब तक उमा जी को वो हिमालय नहीं पहुंचा देगी पार्टी, तब तक वो लोग शांत रहने वाले नहीं है। मतलब अभी एक तरीके का सन्यासी करवा दिया है उन्हें, लेकिन फिर भी वो बीच बीच में जो है फुंकार मारती रहती है, तो बिल्कुल अभी भी उनको हिमालय की ओर ले जाने के लिए प्रयास करते हैं। इस सब के अंदर जो है, इस सब के अंदर तो शिवराज सिंह ही थे ना, लाभार्थी कौन था, है ना। बीच में थोड़ा बहुत बाबूलाल गौड़ को कुछ थोड़ा सा अवसर मिल गया था, हाँ, वो तो बस आएगा गेस्ट अपीयरेंस था उनका। उमा भारती के बाद में मूल लाभार्थी तो शिवराज सिंह चौहान थे। तो भाई आप भी बहुत सारे ऐसे कसम का, मैं मानता हूँ कि अनैतिक था, है ना, उमा भारती जी को जिस तरीके से अकेला गया, निकाला गया, उनके साथ जो सुलूक किया गया पार्टी के द्वारा वो अनैतिक था। अब वो तुम्हारे साथ भी हो रहा है जैसा बोल। डॉक्टर साहब, आपने आपने इस पूरे मामले पर, मैं कहूं कि पोस्टमार्टम कर देना तो दोनों पक्षों का नफा नुकसान सब बता दिया, उमा भारती से जोड़ते हुए और बाबूलाल गौर का जो आपने चर्चा किया, वो तो उनको तो मैं कहता हूँ गेस्ट अपीयरेंस फिल्मों में होता है, बस वैसे ही उनका गेस्ट अपीयरेंस ही था। फिलहाल कार्तिकेय के बयान का पूरा पोस्टमार्टम आपने करके रख दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश की सियासत पर जब भी कोई चर्चा मुझे करनी होती है तो पहला नाम आपका जहन में आता है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त दिया। तो डॉक्टर सुनीलम से आपने पूरे कार्तिकेय के बयान का पोस्टमार्टम सुन लिया। डॉक्टर साहब ने बताया भी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बेटे के जरिए ये मोदी जी को चुनौती देने की कोशिश हो। अब इसी पर उन्होंने नफा नुकसान सब बताया डॉक्टर सुनीलम ने, पूरा मामला साफ हो चुका है। लेकिन एक और ओपिनियन ले लेते हैं डॉक्टर खंडेलवाल, राजनीति की बड़ी पुरानी इनको समझ है, मध्य प्रदेश समाजवादी विचार से ताल्लुक रखते हैं। डॉक्टर खंडेलवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अब सीधे उनसे सवाल। डॉक्टर सुभाष खंडेलवाल, कार्तिकेय का मैंने बयान आपको सुनाया, इससे पहले जब से मोहन यादव मुख्यमंत्री बने हैं पलची खुली है, दिल्ली वाली पलची से नाम गायब था मामा का, उसी मंच पर शपथ ग्रहण वाले मंच के सामने ही मामा मामा के नारे लगने लगे मोदी के प्रेजेंस में। मोदी अभी भोपाल छोड़े भी नहीं थे और भोपाल में मामा मामा की गूंज थी। उसके बाद प्रदेश व्यापी दौरा, छिंदवाड़ा तक, कमलनाथ के गढ़ तक में दौरा, उतनी में लगातार आना जाना, और हर जगह से बहनों और भांजियों के साथ एक भावनात्मक जुड़ाव। उस जुड़ाव के साथ साथ इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं मन के भीतर की पीड़ा को सामने लाने, गीता के श्लोक भी मैंने उनके ट्विटर
के टाइमलाइन पे पड़े। आज कार्तिकीय का जो अंदाज है, इसीलिए ज्योतिरादित्य का बयान मैंने निकाला पुराना और वो भी बताया, क्या कार्तिकीय का बयान मध्य प्रदेश में किसी आने वाले सियासी तूफान की आहट है डॉक्टर जी? नहीं, ये आप कहिए कि जो शिवराज जी ने बयान दिया इनके पूर्व उसकी पुनरावृत्ति है। ये नौजवान है तो इनके वाणी में कुछ तीखापन आ रहा है, लेकिन आज जो राजनीति की अनिवार्यता बन गई है और राजनीति जिस दिशा में बढ़ रही है उसमें इस तरह की बातों की गुंजाइश नहीं है। अभी हम देख रहे हैं पूरे देश में कि दुग्गी बादशाह को पीट रही है। राजस्थान में क्या हुआ, वसुंधरा को भी वही पर्ची निकली और मुख्यमंत्री कबूल करना पड़ा। शिवराज सिंह चौहान ने, हम ये अवश्य कह सकते हैं कि लाडली बहना के नाम पर 1,35,00,000 बहनाओं को 1,500 रुपये माह से पैसा खाते में पहुंचाया सरकार को लाने के लिए, ये बहुत बड़ा योगदान है हम कह सकते हैं। उन्होंने 168 मीटिंग धारा प्रवाह था, लेकिन राजनीति आज की तारीख में इस आधार पर तय नहीं हो रही है। आप जरा सा पीछे जाइए, आज के 18 बरस पहले जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने थे, उस दिनांक को वो क्या थे? उमा भारती हुबली में जाकर शहीद हो गई थी। उसके बाद उमा भारती ने कमोबेश शिवराज सिंह के अंदाज में, कार्तिकेय के अंदाज में समय पर ना मालूम कितनी बार बयान दिए, और वो तो अटल जी का, आडवाणी जी का अन्य युग थे, मनमोहन सिंह के युग थे, आज मोदी का युग। आज मोदी के युग में इस बहस की गुंजाइश ही नहीं है। हम पुरानी राजनीति के आधार पर कल्पना कर सकते हैं, मुझे यह लगता है कि 8-15 दिन में, महीने में, 2 महीने में, या कल सुबह ही हो सकता है कि वो मोदी जी के पक्ष में पुनः बोलते दिखाई दे। उन्होंने अपना, आप जो अभी बोल रहे थे, अपना दर्द बयां किया है। उस दर्द के अंदर सत्ता छूटने की छटपटाहट भी है। सत्ता के अंदर उनके सामने ही जो कल मोहन यादव खड़े रहते थे, वो आज कुर्सी के ऊपर बैठे उनके सामने। तो यह राजनीति के अंदर हर किसी के साथ हर वक्त होता है। शिवराज सिंह जी के सामने भी न मालूम कौन कौन जो कल तक उनके सामने ताकतवर थे वो खड़े हुए हैं। एक चीज पर और गौर करिएगा, जब अडवाणी जी ही खड़े हो पाए तो शिवराज सिंह किस खेत की मूली है? ये एक राजनीति का एक अंदाज है। शिवराज सिंह इस माध्यम से अपने गुस्से का इजहार भी कर रहे हैं, इस माध्यम से अपनी भावना भी बतला रहे हैं, और कुछ कुछ शिवराज सिंह के पास में महिलाएं आके रोती है क्योंकि उन्होंने महिलाओं को, लाडली बहना को लाभ तो बहुत तगड़ा दिया है, तो वो भी इमोशनल हो जाते होंगे। उस इमोशंस के अंदर लाडली बहनाओं का प्यार कितना है और सत्ता के जाने का दर्द कितना है, ये हम देख सकते हैं। लेकिन हकीकत यही है कि ये बुलबुले हैं। आज की तारीख के अंदर मैंने एक और चीज बताऊंगा मैं आपको, कभी इस देश के अंदर इंदिरा गांधी का दौर था, तब इंदिरा इज इंडिया देवकान बरुआ ने कहा था, तब किसी ने कहा उसे बोलो, गला फाड़ के बोलो, चिल्ला चिल्ला कर बोलो, इंदिरा गांधी जिंदाबाद, बाकी दुनिया मुर्दाबाद। तब किसी की आवाज नहीं चली थी, वक्त ने, समय ने, वोट ने फैसला किया था। आज कमोबेश हम पुनः उसी दौर से गुजर रहे। शिवराज सिंह की आवाज कितनी चलेगी, कार्तिकाय की कितनी चलेगी, मुझे दम नहीं दिखता है उस आवाज के अंदर। डॉक्टर मैं ये कह रहा था, आपने कहा एक बड़ी अच्छी बात कि ये दौर वो है जब दुक्की बादशाह को पीट रही है, और आपने कहा कि शिवराज की आवाज, कार्तिकेय की आवाज आखिर कहां तक जाएगी। ये हकीकत है, इस दौर में मोदी की आवाज के सामने सबकी आवाज दब जाए। लेकिन उससे अलग एक और चीज एक मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूँ, फिर सवाल लूंगा। एक ट्वीट आया है कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस के मीडिया सेल के जो हेड है उन्होंने ट्वीट किया है। उस ट्वीट में उन्होंने कार्तिकेय के बयान को, उस वीडियो को डालते हुए ये कहा है कि पुत्रवत है कार्तिकेय मेरे लिए, और कार्तिकेय ने जो बोला है कार्तिकेय का साहस सैल्यूट करने लायक। वो दर्शक को ट्वीट पढ़ भी सकते हैं स्क्रीन पर। ये जो तारीफ है कांग्रेस खुल कर, यहां पर भी समझना होगा आखिरकार शिवराज सिंह चौहान भले ही अब पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके मन में कितनी भी पीड़ा हो, लेकिन वो भाजपा छोड़ने की बात कहीं नहीं कर रहे हैं। कार्तिकीय ने भी इतनी चेतावनी दी, इतने आक्रामक अंदाज में बोले, लेकिन कहीं भाजपा छोड़ने की बात नहीं। लेकिन कांग्रेस का खुल करके, कांग्रेस के
एक मीडिया सेल के प्रमुख का कार्तिकीय के पक्ष में पुत्रवत बताते हुए ये ट्वीट करना कि लड़ो, बिल्कुल हमारा आशीर्वाद है, साथ है, सब कुछ है। जो आवाज मोदी के सामने भाजपा के हर नेता की दब जा रही है, एमपी राजस्थान में दुक्की ने बादशाह को पीट दिया, उस दौर में क्या कार्तिकीय की आवाज कांग्रेस के सहयोग से बिना मांगे कांग्रेस उस आवाज को आगे बढ़ा रही है, बिना सपोर्ट मांगे कांग्रेस अपने आप अपनी इच्छा से उनकी आवाज आगे बढ़ा रही है, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि जब मेरी आवाज में दम नहीं बची, जब मैं खुद कुछ नहीं कर पाऊं, तो मैं किसी अन्य का सहारा ले रहा हूं। मुझे बड़ा दुख है, कांग्रेस के मीडिया प्रभारी अपने राजनीति के लिए उस चीज के लिए आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन आप जरा सा गौर करिए कि यदि कांग्रेस खुद आगे बढ़ी होती, यदि कांग्रेस ने खुद ने दर्द को, जनता की तकलीफ को समझा होता, यदि कांग्रेस ने बेरोजगारी के लिए, महंगाई के लिए, भुखमरी के लिए, किसानों की बदहाली के लिए आवाज उठाई होती, तो कांग्रेस की ऐसी दुर्दशा नहीं होती। मैं अक्सर कहा करता हूं साहब कि जब सड़कें वीरान हो जाती और आवाजें गुम हो जाती है, तब संसद भी वीरान हो जाती है, तब विधानसभा भी वीरान हो जाती है। आप मुझे बताइए कि आज की तारीख के अंदर ये कार्तिक आई की बात को आगे बढ़ा रहे हैं, इनसे पूछिए कि ये अपना जो प्रतिपक्ष का रोल है, मैं अक्सर कहता हूं कि यदि राहुल गांधी दिल्ली में एक लाठी खा ले, एक लाठी जो लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, या मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ ने तो कभी लाठी का जोर से नहीं बोल पाए, यदि अपने प्रतिपक्ष का रोल अदा करने लग जावे, तो जनता को ये लगेगा कि ये हमारे दर्द को समझ रहे हैं। आज स्थिति ये है कि बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे की ट्रू कॉपी है। क्या है ये प्रतिपक्ष का काम है? जनता की व्यथा को समझना। इसके पहले भी मैंने पुराने एक इंटरव्यू में कहा कि बीजेपी तो कथा कराती है, कथा कराना उसका धर्म कर्म है, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस कथा कराती रही, इनके कमलनाथ से लेकर सब लोग, इन्होंने जनता की व्यथा को नहीं समझा। अभी भी इनको कार्तिकेय के अंदर खुशबू आ रही है, इनको जनता में खुशबू ढूंढना चाहिए। कार्तिकेय तो कल अपना ट्वीट वापिस लेगा, कार्तिकेय तो कल फिर मोदी जी करने लग जाएगा, ये क्या करेंगे उस वक्त? कार्तिकेय का सहारा नहीं लेवे, ये अपना कर्म संघर्ष करे, मैं ये कहना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपकी, जो है आपने थोड़ा वक्त दिया, क्योंकि ये विषय ऐसा है जिसकी दिल्ली के सियासी हलकों में बड़ी चर्चा है जोरों पर, कि कार्तिकेय का ये अवतार, नया जो आक्रामक अवतार है, ये मध्य प्रदेश की सियासत में क्या गुल खिलाएगा। आप हमसे जुड़े, धन्यवाद आपका। आप देखते रहिए न्यूज लॉन्चर, फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।